देखो क्वेश्चन है जेई एडवांस 1985 का, क्वेश्चन कह रहा है एफ सब आर एक्स जी सब आर एक्स एच सब आर एक्स आर इज इक्वल टू 1 2 3 आर पॉलिनोमियल इन एक्स सच दैट एफ सब आर एक्स इक्वल टू जी सब आर ए इज इक्वल टू एच सब आर ए फॉर ऑल आर इज इक्वल टू 1 2 3 कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये लिखा हुआ है देन एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखो एक चीज आप देखो एफ वन ए इज इक्वल टू जी वन ए इज इक्वल टू एच वन ए मतलब कॉलम वाइज देखो ये सब बराबर है कॉलम वन में। फिर सिमिलरली एफ टू ए जी टू ए एच टू ए बराबर है इसका मतलब कॉलम टू को बराबर है इसका मतलब कॉलम थ्री भी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जानते हो अगर हम सबको बराबर कर ले मान लो सब एफ वन बन गया एफ वन फैक्टर आउट कर लेंगे तो पूरा ये क्या बन जाएगा कॉलम वन 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 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से एफ टू फैक्टर आउट कर लो तो ये क्या बन जाएगा वन वन वन। सिमिलरली एफ थ्री फैक्टर आउट कर लो तो ये क्या बन जाएगा वन वन वन। देखो किसी भी डिटर्मिनेंट में जब सारे एलिमेंट सेम है उसका नेट रिजल्ट क्या आएगा जीरो आएगा। तो जब फंक्शन ही जीरो है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो ही होगा इसलिए इसका आंसर क्या हो गया जीरो। तो इतना आसान था बस इस कदर आपको करना था ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका 1985 का।